बेटी के जीएल मुहाल कते लेबा। यू दू कौड़ी के नौकर शिव होंगे शिव घर के दामाद। फिलहाल यश कुमार मिश्रा की एक और नई भोजपुरी फिल्म कभी अलविदा ना कहना का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि भोजपुरी सिनेमा में हिंदी सिनेमा के शीर्षक पर फिल्म बनाने की लंबी परंपरा रही है और इसी उधार की परंपरा पर चलते हुए यश कुमार मिश्रा की चाची 420, हाथी मेरे साथी और जोकर के बाद ये चौथी फिल्म है जिसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है। लेकिन अभी तक किसी भी फिल्म की रिलीज की आखिरी किसी को भी पता नहीं है। खुद फिल्म में निर्माता भी इस बात की कोई तैयारी नहीं दिखती है। उनकी ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी या OTT पर या फिर सीधे YouTube पर। भोजपुरी फिल्म कभी अलविदा ना कहना की कहानी एक ऐसे पति की दिखती है जो अपनी पत्नी के बेतहा प्यार भी करता रहा है और उसकी खुशी के लिए बहुत बड़ा त्याग कर रहा है। यश कुमार मिश्रा कहते हैं यह फिल्म पूरी तरह से मनोरंजन पारिवारिक फिल्म है जिसमें पारिवारिक मूल्यों की बात की गई है। इस फिल्म में शिव की भूमिका निभा रहा हूं मैं। उसे जब पता चलता है कि उसकी शादी बचपन में हो गई थी और एक एक्सीडेंट में वह कोमा में चली जाती है तो वह अपने ससुराल में जाकर उसे ठीक करने की पूरा कोशिश करता है। लेकिन यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। फिल्म कभी अलविदा ना कहना में यश कुमार मिश्रा के अलावा रक्षा गुप्ता, डिंपल सिंह, अमित शुक्ला, अनीता रावण, विनोद मिश्रा, साबा खान, राधे कुमार, वैष्णवी शाही, पूनम वर्मा, सुजीत मिश्रा और नीरू यादव की मुख्य भूमिकाएं हैं और इस फिल्म का निर्देशन किए हैं सुजीत वर्मा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को रिलीज होते ही अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में या 3D में इस फिल्म को जरूर देखें। यह फिल्म बहुत ही पारिवारिक और इमोशनल होने वाली है। और दोस्तों आपको बता दें अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।